नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में शनिवार रात करीब 2:30 बजे भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए दौड़ने लगे। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतकों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के 8 लोगों की पहचान हो गई है। हादसे के कारणों की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं। जी, आपको बता दें, इसी बीच हादसे को सबसे नजदीक से देखने वाले हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि वह हरियाणा में पानीपत के खैल बाजार का रहने वाले हैं। वह अपने दोस्त राघव, हिमांशु शर्मा, जतिन और भरत के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। वह दर्शन करके लौट रहे थे। रात करीब 2:30 से 3:45 बजे का समय होगा। दर्शन करने जाने वाले और दर्शन करके वापस आने वाले सभी लोगों की भीड़ चेक पोस्ट 3 के नजदीक जमा हो गई। अब यहां से ना ही आने का रास्ता बचा और ना ही जाने का रास्ता बचा था। इसी बीच वहां व्यवस्था संभाल रहे सीआरपीएफ जवानों ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। भीड़ को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करने के बजाय उन्होंने डंडों से लोगों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। वे डराते धमकाते हुए बोल रहे थे कि किसी वीआईपी को आना है, उन्हें दर्शन करवाना है, रास्ता जल्दी खाली करो। मगर जवानों ने यह नहीं देखा कि वहां मूवमेंट की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर भी डर की वजह से लोग वहां तेजी से आगे पीछे होने लगे। हम भी उसी लाइन में थे जहां से लोगों की सबसे पहले मूवमेंट हुई थी। मेरे आगे ही एक व्यक्ति नीचे गिर गया, जिसे उठाने का प्रयास करने वाले दूसरे व्यक्ति को पीछे से धक्का लगा और वह भी नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक के बाद एक वहां लोग सीआरपीएफ के डर से भागने लगे और भगदड़ मच गई। मैं और मेरे दोस्त खंभों पर चढ़ गए। करीब 15 मिनट तक वहां भगदड़ का माहौल बना रहा। इसके बाद मौके पर सीआरपीएफ की और टीमें पहुंची और व्यवस्था अनुसार लोगों को निकालने लगे। कुछ माहौल ठीक होने पर हम खंभों से नीचे उतरे और राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। यहां पे एक तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है, तो ये सुनते ही हम लोग तो माता जी की लाइन में खड़े थे, बट जो लोग क्लॉक रूम में अपना सामान जमाने करने जा रहे थे वो एकदम से भगदड़ मच गई। और इसके बाद जो पुलिस प्रशासन था उसने पूरा कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि न्यूयॉर्क के दिन क्राउड ज़्यादा आएगा। उसके हिसाब से जो पुलिस व्यवस्था थी एकदम ख़राब थी। जब सारा का सारा इंसिडेंट हैपन हो गया उसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस प्रशासन जागा। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही जाग जाता तो जो ये 14 हत्याएं हुई हैं और जो कई लोग घायल हुए हैं ये नहीं होता। वहाँ पे पुलिस की इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए मेरी आंखों के सामने। जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंभे पे काउंट किया 35 थे उस टाइम पे। पुलिस की बिल्कुल, पुलिस बिल्कुल दो ही वहाँ पे वो थे। और आज वहाँ पे शायद वो 800 की टीम दिखा रहे हैं कि 800 की टीम है हमारी। हादसा होने के भी 2 घंटे बाद पीसीआर तब पहुँची है। उससे पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, ना आपके यहाँ पे कोई कोविड टेस्ट हो रहा था कि डोज चेक क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा दिया और जाने दिया। सिर्फ 2-2 घंटे वेस्ट किए, बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई कुछ नहीं था। इतनी भीड़ होने के बावजूद आप लोगों बिल्कुल जो आप हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके पास पहुंच रहा है। उन लोगों को यहाँ पे स्टे कर देना चाहिए था कि जब हम वहाँ पे गए 2 लाख ऑलरेडी पीपल्स वहाँ पे हैं, तो उनको पीछे से बैक कर देना चाहिए कि भाई नहीं आना है। उसके बाद भी कंटिन्यू वो बैक वहीं पे है। भगदड़ मची जब है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। हम लखनऊ से सर। तो कितने लोग थे? हम 9 लोग थे, जिसमें से मेरा एक दोस्त मिसिंग है। तो वो अभी नहीं मिला? अभी नहीं मिला है, तो उसको हम कल भी ढूंढे, आज भी ढूंढ रहा हूँ। कोई भी किसी ने हेल्प नहीं, मैंने कभी कंट्रोल रूम में बताया है कि मतलब जानकारी करके बताइए जो बच्चे चोट खाए हैं, या तो मुझे उनको एड्रेस दीजिए कहाँ चोट खाएं, कौन से हॉस्पिटल में है, उनकी मैं जानकारी करूं जाके, मैं अपने दोस्त को परिचय करूं जाके। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं लोग यहाँ पे इतनी ठंडी में इंतजार कर रहा हूँ सर। बिना सोचे समझे इन्होंने मतलब एकदम से वो ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया
कि ये मतलब कि किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी किसी के, लेडी से को होश नहीं है, उन्होंने गलत करा ये सर, बहुत गलत किया है। जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था, उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिए, तो सारा रीजन जो है सिक्योरिटी रीजन ही है और वो उसको संभाल नहीं पाए। बिल्कुल, मैं बिना दर्शन के आई हूँ, यहाँ तक मेरे जूते भी खो गए तो मैं चप्पल पहन के आई हूँ।